सोलूशन ऑफ दिस सेकेंड प्रॉब्लम इसके अंदर uh, जैसे कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट में बताया हुआ है कि वन डॉलर पर यूनिट की कैरिंग कॉस्ट है ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम अगेन अनयूज कैपेसिटी हमने कॉलम उसका बनाया हुआ है दैट इज़ अ डमी कॉलम जिसके अंदर ये डमी वेरिएबल्स की वैल्यूज़ हैं uh, जिसकी कॉस्ट ज़ीरो होगी दिस इज़ जस्ट द रिक्वायरमेंट फॉर दिस मैथड Uh, उसकी कोई कॉस्ट वगैरह नहीं है और जो हर कॉलम के एंड के अंदर जो ग्रीन में फिगर्स uh, हैं वो फिगर्स आएंगी बेसिकली डिमांड uh, जो उस पीरियड की डिमांड है उसकी फिगर है जो कि हमने मीट करनी है uh, ये सप्लाई फ्रॉम डिफरेंट ऑप्शंस देते हुए ये हमारे पास टेबल है जो कि हमने डिस्कस किया था पार्ट ए में और उसकी सारी कॉस्ट हमने डाली हुई हैं इसके अंदर हमारी बैक ऑर्डरिंग कॉस्ट भी इन in, इनकॉर्पोरेट हो गई हैं ये बेसिकली चार चार डॉलर्स और आठ आठ डॉलर्स के एडिशन के साथ हुई हैं पर पीरियड अगर बैक ऑर्डर है तो चार डॉलर वरना आठ डॉलर अगर टू पीरियड्स बैक ऑर्डर है ये अगेन दीज आर कैपेसिटीज़ फॉर ईच ऑप्शन अवेलेबल और हमने अब जो असाइन करना है वो लोस्ट से शुरू करना है एंड इन दिस केस फर्स्ट पीरियड की डिमांड मीट करने के लिए द लोस्ट इज फिफ्टी यूनिट्स और उसकी कॉस्ट इज जीरो डॉलर तो दैट इज द लोएस्ट हमारे पास कॉस्ट की वो ऑप्शन है तो सबसे पहले हम उसको यूज करेंगे देन वी हैव नेक्स्ट लोएस्ट इज फिफ्टी डॉलर ऑफ रेगुलर टाइम और उसकी कैपेसिटी इज थ्री हंड्रेड ये फिफ्टी हमने यूज कर लिया अब 300 हम इधर यूटिलाइज करेंगे तो 350 हो गई ये भी हमने पूरा यूटिलाइज कर लिया नेक्स्ट इज ओवर टाइम के 50 यूनिट्स और वो भी हमने कंप्लीटली यूटिलाइज कर लिए तो हमारे 400 की डिमांड वो हमने मीट कर ली अब सब कॉन्ट्रैक्टिंग में हमें 50 और चाहिए क्योंकि 450 की रिक्वायरमेंट है तो इसमें से 50 चले गए तो बाकी 150 एंड फिफ्टी सब रहे एंड टोटल जो हमारे है, वो 450 हंड्रेड एंड फिफ्टी की डिमांड इस तरह हमने इन ऑप्शन को यूटिलाइज करते हुए मीट कर ली इसके अंदर कोई वो बैक ऑर्डरिंग में नहीं जाना पड़ा पीरियड टू के लिए अगर हम देखें तो सबसे कम जो कॉस्ट है वो रेगुलर टाइम प्रोडक्शन इन पीरियड टू और वही कंज्यूम्ड इन पीरियड टू दैट इज फिफ्टी डॉलर तो वो सबसे कम है ऑल दो वन डॉलर इस कॉलम में शो हो रही है सबसे कम बट उसकी कैपेसिटी फुली यूटिलाइज हो चुकी है फिफ्टी यूनिट्स थे सिर्फ बिगनिंग इन्वेंट्री के वो कंज्यूम हो गए तो नो मोर यूनिट्स आर अवेलेबल इन द बिगनिंग इन्वेंट्री तो फोर हंड्रेड हमने वो यूटिलाइज की है नेक्स्ट ओवर टाइम की कॉस्ट है सिक्सटी फाइव डॉलर है अगेन रेगुलर प्रोडक्शन फर्स्ट पीरियड की उसकी फिफ्टी वन होनी थी लेकिन अगेन हम फुली यूटिलाइज कर चुके हैं तो ये हमारे पास 450 हो गए और 100 यूनिट्स हमने सब कॉन्ट्रैक्टिंग के इधर यूज किए हैं ये सेकेंड पीरियड की सब कॉन्ट्रैक्टिंग हम 100 यूनिट्स यूज कर रहे हैं क्योंकि हम ओवर टाइम फर्स्ट पीरियड का नहीं यूज़ कर सकते क्योंकि वो भी फुली यूटिलाइज हो चुका है तो अब हमारे पास ये जो टोटल बनी ये 550 यूनिट्स की बनी और ये हमने यूटिलाइज किया और इसमें से हमारे पास 100 यूनिट्स अनयूज कैपेसिटी अवेलेबल है इन पीरियड टू सो ये हमारे 550 की डिमांड हमने मीट कर ली नेक्स्ट इज थर्ड पीरियड इसकी 450 की कैपेसिटी अवेलेबल थी रेगुलर प्रोडक्शन की थर्ड पीरियड में हम रेगुलर प्रोडक्शन के ज़रिए मीट कर रहे हैं ये फुली यूटिलाइज कर गए ये भी हमारी यूटिलाइज हो गई थी ये भी हो गई थी तो ये 450 हमने फुली यूटिलाइज कर लिए रिक्वायरमेंट है तो हमने 65 के के ऊपर की कैपेसिटी फुली यूटिलाइज की फिर हमारे पास जो नेक्स्ट लोएस्ट है दैट इज सब कॉन्ट्रैक्टिंग इन थर्ड पीरियड उसके 200 हमने किए पूरे तो ये टोटल अगर हम सम करें तो ये 700 बनते हैं तो ये भी हम फुली कर गए अब हमने फिफ्टी और हमें चाहिए जो कि हम सेकेंड पीरियड में सब कॉन्ट्रैक्टिंग कर कर एक पीरियड के लिए उसको होल्ड करेंगे तो दैट मीन्स के एटी वन डॉलर्स की कॉस्ट पड़ेगी और वो हम यूटिलाइज करेंगे और टोटल डिमांड हम मीट कर जाएंगे सेवन हंड्रेड एंड फिफ्टी यूनिट्स की सो so यहाँ हमने इसको फर्दर यूटिलाइज कर लिया और हमारे पास फिफ्टी रह गए अब हम देखें कि अनयूज कैपेसिटी की है हंड्रेड एंड फिफ्टी सब कॉन्ट्रैक्टिंग ऑफ फर्स्ट पीरियड एंड फिफ्टी सब कॉन्ट्रैक्टिंग ऑफ सेकेंड पीरियड ये हमारे पास अनयूज कैपेसिटी रह गई है टोटल अनयूज टू हंड्रेड इन चारों को हम सम करें वैल्यूज़ को तो ये टोटल नाइनटीन फिफ्टी बनती है जो कि हमारी कैपेसिटी थी सो so, ये हमारा टोटल uh, इसकी आ गई है रिक्वायरमेंट अब इसका कॉस्ट हमने कैलकुलेट करनी है तो कॉस्ट के अंदर जैसे मैंने बताया कि हर सेल के अंदर अगर कोई क्वांटिटी गिवन है उसको मल्टीप्लाई करने है, उसकी कॉस्ट के साथ फर्स्ट पीरियड की बिगनिंग इन्वेंट्री फिफ्टी थी उसके ज़ीरो कॉस्ट थी आ, फिर रेगुलर प्रोडक्शन की थ्री हंड्रेड यूनिट्स उसकी फिफ्टी डॉलर्स की कॉस्ट थी एंड फिफ्टी डॉलर्स सॉरी फिफ्टी यूनिट्स हमने लिए ओवर टाइम के अंदर कैपेसिटी सिक्सटी फाइव डॉलर्स पर यूनिट की कॉस्ट थी एंड फिफ्टी हमने लिए फ्राम सब कॉन्ट्रैक्टिंग और उसकी एटी की कॉस्ट uh, थी उसको हमने सम किया टोटल तो ट्वेंटी टू थाउजेंड टू फिफ्टी की वैल्यू आई सेकेंड पीरियड की थर्टी वन थाउजेंड टू हंड्रेड फिफ्टी इसी तरह आई और थर्ड पीरियड की फोर्टी फाइव थाउजेंड एट हंड्रेड इसी तरह हमने कॉस्ट uh, हमें इनकर की तो इन टोटल इनको सम कर लें तो इट कम्स टू नाइन्टी नाइन थाउजेंड थ्री हंड्रेड डॉलर्स जो कि इस थ्री पीरियड के जो हमने ये प्लान डेवलप किया उसकी ये कॉस्ट आई